कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और सब जा चुके हैं स्कूल, सबका नाश्ता वगैरह बन चुका था, घर हो गया एकदम खाली। तो अब मैं फ्री होके खत्म करूँगा किचन का काम, चाय वगैरह के बर्तन में सभी डालेंगे बाहर। उसके बाद ये वाली अलमारी थोड़ा साफ करनी है, तो इसके बर्तन वगैरह निकाल के रखेंगे और डिब्बे वगैरह साफ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा गंदी हो रही है। कोई काम विशेष है नहीं अभी, तो फिलहाल यही कर लेते हैं। खाना होगा देर में, माइक्रोनी और चाय बना दी थी, तो दोनों बच्चे खा के जा चुके स्कूल और ये कर रहे हैं अपना लैपटॉप पे वर्क, और हमारा काम हो रहा है किचन का। हम कहेंगे अपना किचन का काम खत्म। चलिए ये वाली हमारी साफ, ये वाली गंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो रही है। कुछ काम होता है ना, सब हर तरीके के हाथ वगैरह लगते हैं, तो अजीब सा हो रहा है। चलिए इसको साफ करते हैं, जो समेटा समेटी बची है उसको सबको ख़त्म करते हैं। सब इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको साफ करेंगे। ये सूखे मसाले की रैक, इसको भी मैंने साफ करके रख दिया है, इसको भी लगा देंगे सूखने के बाद। किचन हो गई मेरी पूरी साफ, देखिए ये बढ़िया चमक गए, बहुत गंदे हो रहे थे। पूरा सामान सारा अपनी अपनी जगह पे सबको लगा दिया है, गैस भी मेरी साफ है। चलिए साफ सफाई तो हो गई, अब करते हैं कुछ खाने की तैयारी, देखते हैं क्या बनाते हैं इतने समय। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग और हरी मिर्ची। मैं चार पांच हरी मिर्ची काटी, क्योंकि मुझे सूखा पसंद है। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, और ये आलू मैं काट के धो के रख ली थी, उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बाकी कोई मसाला नहीं डालेंगे। और थोड़ी देर में इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे बाद में, और ये डाला नमक, चला देंगे और गैस को कर देंगे एकदम धीमा। तो ये धीमे धीमे से भुनेगी ना, तो भुजिया अच्छी लगती है।
चलिए इसको करते हैं बंद, गैस को कर दिया धीमा। ये हमारी आलू की भुजिया धीरे धीरे जब तक पकेगी तब तक मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि टाइम होना दाल चावल बनाएंगे बाद में, क्योंकि ये भी निकल गए थे नाश्ता करके। सुबह चाउमीन बना दी थी और चाय, सब नाश्ता करके जा चुके, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, तो दाल चावल अभी बनाएंगे नहीं, तो आलू भुजिया अरहर की दाल चावल रोटी इतना खाना बनाएंगे। तो जब तक हमारी क्या नाम ये आलू भुनेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, जितना धीमे धीमे इनको पकाओ ना उतनी बढ़िया बनती है आलू भुजिया। तो जब तक हमारी आलू भुजिया बन रही है तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक रोटियां बना के रख लें, रोटी बना के रख लेंगे और दाल चावल जब ये आएंगे उसी टाइम बना लेंगे तुरंत गरम गरम, क्योंकि दाल चावल गरम गरम अच्छा लगता है। रोटियां बना के रख देंगे तो बाकी जो काम है एक्स्ट्रा वाला वो और हो जाएगा, इसलिए मैंने रोटियां बनाना कर दिया स्टार्ट। तो चलिए मेरी बन रही है आलू की भुजिया और रोटी। आलू भुजिया अगर आपको खानी हो तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, थोड़ी देर में भी बन के तैयार हो जाएगी। तब तक ये रोटियां भी बना के रख लेंगे। आलू भुजिया मेरी बन गई है, देखिए बहुत बहुत टेस्टी बनी है सच्ची में। मैगी मसाला डाल के बनाओ तो आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती है। इसको करते हैं बंद। इनकी पढ़ाई चले तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म नहीं। चाहत कह रहा है मौसी लग रहा है जे की परीक्षा देने जा रही है, ऐसे कागज पत्र फैलाई बैठी हूँ। शाम के बज गए 5:30, खाना वाना खा के सब लोग लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, तो अब उठे तो बनाने जा रहे हैं शाम की चाय।
थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि भाभी भी बर्तन धोने आज लेट में आई थी, क्योंकि बारिश हो रही है बराबर धीरे धीरे थोड़ी 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 करके, और बर्तन मेरे रहते हैं खुले में, तो हमने सोचा भाभी आ जाती फिर साथ में ही चाय बनाते। और यहाँ मैं आ गई हूँ शाम को किचन में, शाम क्या रात का 8:30 बज चुका है और खाना खाने का किसी का मन नहीं, तब बारिश हो रही थी धीमे धीमे से बराबर, तो सबका मन किया कि चलो पकोड़े खा जाते हैं। चाहत भी ट्यूशन पढ़ के आ चुका था ऊपर, तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना देते हैं। तो नॉर्मल बेसन में डाला था नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हींग जीरा और आलू को गोल गोल पीस करके काट के रख लिया था। चलिए सबका मन था तो मैं चलो पकौड़े बना देते हैं। खाना वैसे भी कोई शाम को नहीं खाता है, बहुत कम खाता है, किसी का मन हुआ तो, ज़्यादातर तो शाम का खाना होता ही नहीं मेरे घर पे, बहुत कम लोग ही खाना खाते हैं, कभी कभी हो गया कि पूरा खाना बने शाम को। सर आप आ गए वीडियो में। हाँ भाई आ रहे, बस 15 मिनट में आ रहे, पढ़ा के बस छूटे हैं। सर आप आ गए। मैडम कहना चाहते थे तो कहना बैठो, अब हम तुम्हारी मैडम नहीं है। तुमने खा रही वो वाला कैमरा नहीं चल रहा, खराब हो गया वो वाला, फोन वाला नहीं चलता, ये तो नया डाउनलोड करा यही चल रहा है। इसमें वॉइस ओवर कर रहे हो ना, हमको वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। तो हमने पहले कर